इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ओरोपेस जेल्स के बारे में। ओरोपेस जेल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिनों का यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जेल्स को इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और ये जेल्स का इस्तेमाल किन को नहीं करना चाहिए, तो ओरोपेस जेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ओरोपेस जेल, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 75 यानी कि 75 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। ओरोपेस जेल को लिफोर्स हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ओरोपेस जेल के अंदर इंग्रीडियंट्स जो मॉलिक्यूल्स है कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है कोलिन सेलिसाइलेट्स एंड लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोरेट्स जेल इसके अंदर डाले गए हैं। ओरोपेस जेल का यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल मुंह के सालों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुंह के सालों के होठों के आंतरिक हिस्सों जैसे कि मसूड़ों, जीभ, मुंह या गले की सतह पर होने वाले छोटे दर्दनाक घाव होते हैं, इनके कारण खाने पीने या तक कि बोलने में भी परेशानी आ सकती है। ओरोपेस जेल आपके ब्रेन में दर्द की संवेदना तथा सूजन के लिए जिम्मेदार केमिकल को ब्लॉक करता है, इसलिए यह मुंह के साले के कारण होने वाली लालिमा, सूजन या जलन जैसे इन्फ्लेमेशंस के दर्द और असुविधाओं और लक्षणों से राहत प्रदान करता है। ओरोपेस जेल का इस्तेमाल मुंह के साले के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह अल्सर के दर्द, सूजन, लालिमा और जलन को भी कम करता है, यानी कि सरल भाषा में बताएं तो ओरोपेस अल्सर जेल्स का इस्तेमाल अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं या फिर आपके जीभ के नीचे कुछ छाले वगैरह हो गए हैं यानी कि अल्सर टाइप हो गया है तो ये जेल्स को यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। ओरोपेस जेल्स मुंह के छालों, मसूड़ों और दांतों की जलन के कारण होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है। ओरोपेस जेल्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो ओरोपेस जेल्स को आफ्टर मील्स इसका इस्तेमाल करें, यानी कि इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें और इसको जहाँ पे आपके अल्सर वगैरह यानी कि छाले वगैरह हुए हैं उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं और इसको हल्के अल्सर लगा के इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि आपके जहाँ पे अल्सर हुए उसी एरिया पे लगाएं, यानी कि इसका इस्तेमाल केवल अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल करें। ओरोपेस जेल्स को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और लगाने के बाद और लगाने के पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। ओरोपेस जेल्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ओरोपेस जेल्स। ओरोपेस जेल्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि कोलिन सेलिसाइलेट्स और लिग्नोकेन्स हाइड्रोक्लोरेट्स। कोलिन सेलिसाइलेट्स एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है और यह दर्द और सूजन, लालिमा का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्त्राव को अवरुद्ध करके काम करता है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोरेट्स एक लोकल एनेस्थेटिक है, यह नसों से ब्रेन तक संकेतों को अवरुद्ध करके काम करता है जिससे दर्द की अनुभूति कम होती है। ओरोपेस माउथ अल्सर जेल्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या डेंटिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से ओरोपेस माउथ अल्सर जेल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। ओरोपेस माउथ अल्सर जेल्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। ओरोपेस माउथ अल्सर जेल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी माउथ वॉश जेल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।